नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। क्या सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मुद्दे पर राजस्थान की सरकार में दो फाड़ हो चुकी हैं? क्या राजस्थान की सरकार कई हिस्सों में बट चुकी है? अलग अलग स्वर निकलकर सामने आ रहे हैं कि एसआई पेपर लीक मामले पर पूरी जो प्रक्रिया है, सब इंस्पेक्टर परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया, उसको रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। ये बात इसलिए अटकलों के दौर में तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही थी क्योंकि इतने लंबे समय बीतने के बावजूद, 40 से ज्यादा प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स की गिरफ्तारी के बावजूद, सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक अपना फैसला नहीं सुनवाया है, नहीं सुनाया है कि एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर वो पूरी प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा से करवाने वाली है या नहीं। कहा यह जा रहा था, ऐसा अटकलें लग रही थी कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद कोई फैसला लेने वाले हैं, पर मुख्यमंत्री जी तो राजस्थान क्या देश से बाहर चले गए हैं, जर्मनी के दौरे पर बताए जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि 20 तारीख को वो लौट सकते हैं। तो क्या 20 तारीख तक पूरा मामला फिर से अधर में लटक गया है? क्या वो अभ्यर्थी जो कि आस लगाए हुए थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले पर जल्द कोई निर्णायक फैसला लेंगे, वो एक बार फिर से दुखी मायूस हो गए हैं? आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में किस तरह से जो अभ्यर्थी, वो अभ्यर्थी जो कि प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स की परीक्षा पास कर चुके थे, प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स थे, उनके अभिभावक कई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना से मिलने आए और भाजपा में होते हुए शायद कहीं ना कहीं जिस प्रकार का रिस्पांस लोग उनसे चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार इसलिए भी गर्म है कि कहा यह जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीना तो इसके पक्ष में है कि जल्द से जल्द फैसला हो, पर फैसला शायद कहीं और अटका हुआ है। क्या फैसला जोगाराम पटेल की वजह से फंसा हुआ है? क्या पूरा फैसला निर्णायक मोड़ पर पहुंचकर इसलिए नहीं लिया जा रहा कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ऐसी मंशा पैदा हो रही है कि अगर इस पर फैसला जल्द ले लिया गया तो श्रेय जो है वो बाबा के पास जा सकता है? इस प्रकार की धारणा बन सकती है कि किरोड़ी लाल मीना की अगुवाई में जो तमाम आंदोलन किए गए, जो तमाम बातें की गई, जो तमाम बातें सामने रखी गई, उसकी वजह से रद्द किया गया है, तो कहीं क्या श्रेय इनको ना मिल जाए, इसी वजह से अब तक इसके बारे में फैसला नहीं लिया गया है। आप देख सकते हैं, इसको ऑडियो आप दीजिएगा, तमाम ये जो अभिभावक, सिर्फ 7 साल का प्रोसेस है, 7 साल में हमारे परिवार के आर्थिक स्थिति, इसको ऑडियो लेवल सामाजिक यदि हम इस वैकेंसी से निकाल दिए जाते हैं, हम दर्द बटने लायक हमारे परिवार के पास हमारे जांच जो एक बार इसको फिर से प्ले करिएगा। ये तमाम जो अभिभावक वहाँ पे पहुंचे थे, हम लोग हमारा करना चाहते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, अभी डॉक्टर मुझे बनाएंगे और खुद अब वापस मेहनत करेंगे, मेरे उसको पॉज कर दीजिए। अब ये पूरा सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया का जो मामला है, बुरी तरह से राजनीति के अखाड़े का एक दंगल सा बन गया है। एक तरफ से तो उन अभ्यर्थियों को आगे लाया गया या वो आगे आकर अपनी बात रख रहे हैं जिनके तरफ से उनके अभिभावक ये कह रहे थे कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा दी है और
इस प्रकार की बात कही जा रही थी कि ईमानदार को छेड़ना नहीं, बेईमान को छोड़ना नहीं, पर क्या अगर इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, क्या ये पॉसिबल है कि उन तमाम लोगों को अगर उन्होंने धोखाधड़ी करके, धांधली करके परीक्षाएं परीक्षा दी है एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया की, कि उन सभी को बाहर निकाल लिया जाए और केवल ईमानदार लोग जो हैं उनको रखा जाए, क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा है, अगर कुछ ईमानदार लोग हैं तो क्या वो फिर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते? अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है और सरकार के अंदर से ही इस प्रकार की सुगबुगाहट, इस प्रकार की अटकलें, इस प्रकार का अफवाहों का बाजार गर्म है कि एक राय नहीं है, अलग अलग धड़ा जो है वो अलग अलग अपने उसकी वजह से लोगों को जो है वो आगे किया जा रहा है और उस वजह से जो पूरा मामला है वो उसका पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। पर उन लोगों की सोचिए जो कि इस वजह से जो आंदोलन कर रहे थे, कल भी इसको लेकर कैंडल मार्च हुआ, इसको लेकर जो तमाम अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो, वो इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। कई दिनों से वो आंदोलन जो है उनका चल रहा था अलग अलग जगहों पे। इन अभिभावकों के बाद दूसरे पक्ष के अभ्यर्थी भी जो है वो किरोड़ी लाल मीना से मिलने पहुंचे थे, उनके घर घर के बाहर मिलने पहुंचे थे, पर लग ये रहा है कि अब ये बड़ा पेच जो है वो एक राय ना होने की वजह से फंसता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह से सरकार के सामने ये जो मामला है वो और लंबित होता चला गया जा रहा है। और अब ये लग रहा है कि भजनलाल शर्मा वापस आने के बाद जयपुर में इस बारे में कोई फैसला जो है वो ले सकते हैं, पर फिलहाल के लिए पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं बेहद पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। आज शहीद स्मारक पर भी कुछ अभिभावक इकट्ठे हुए थे जिन्होंने भजनलाल शर्मा की जिंदाबाद के नारे लगाए। शायद पहली बार इस पूरे मुद्दे को लेकर भजनलाल शर्मा की सरकार की के पक्ष में इस प्रकार से नारे लगाए गए हों। वो तमाम वो लोग थे जो कि अभिभावक थे, जो चाहते थे कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से रद्द ना किया जाए, जो बेईमान अगर लोग हैं तो उन्हीं को चिन्हित करके बाहर निकाला जाए। पर क्या ये अगर इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, ये होना क्या सक्षम, ये संभव है क्या कि केवल बेईमानों को अगर वो हैं तो उनको बाहर निकाला जाए? इसको आप सुनिए क्या कुछ लोग बोल रहे हैं। तो ये भजनलाल जिंदाबाद, राजस्थान सरकार जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते के नारे आप सुन रहे थे। अब इस परिस्थितियों में जब दोनों तरफ से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ भजनलाल शर्मा की सरकार कर सकती है या करेगी वो वक्त बता सकता है। पर फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक अखाड़े में दोनों तरफ के लोग जो है वो या तो सामने आ गए हैं या लाया गया है, या फिर जिस तरह से अलग अलग पक्ष लग रहा है कि क्रॉस पर्पसेस पे काम कर रहे हैं, क्या इसका कोई समाधान जल्द ही और संतोषजनक तरीके से निकल सकता है? जो कि जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सही में पेपर जो है परीक्षा में अपना परिश्रम दिखा के उसको सही ढंग से दिया, क्या उनके पक्ष में कोई फैसला जल्द लिया जा सकता है? क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर देरी की जाती है तो वो न्याय शायद नहीं होगा उनके साथ जिनकी उम्र निकली जा रही है, जिनके लिए समय निकला जा रहा है, जिनके लिए रोजगार पाना एक बेहद जरूरी बात है और जिन्होंने अपना सालों का, महीनों का परिश्रम लगा दिया, अपने अभिभावकों का, अपने घर वालों का उन्होंने रिसोर्सेस लगाए हैं, अपनी मेहनत लगाई है, अपना परिश्रम लगाया है, और उन तमाम बातों के बावजूद अगर इस प्रकार की धांधली की वजह से उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अवसर नहीं मिला और उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो ये बताता है कि सिस्टम किस प्रकार से लचर पड़ चुका है और उसको सुधारने के लिए अगर जल्द ही कोशिश नहीं की गई तो क्या भजनलाल शर्मा की सरकार अपने आप को कुछ अशोक गहलोत की सरकार से अलग कहना के योग्य रह जाएगी? ये सवाल जो है बड़ा सवाल है और ये सवाल कहीं ना कहीं आने वाले समय में रिफ्लेक्ट कर सकता है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन तमाम
सीटों को लेकर आज भाजपा ने मंत्रणा की, इसको लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। मैं चाहूंगा कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं, कुछ ट्वीट्स जो हैं वो दिखाएं। पहली बात तो भजनलाल शर्मा के अगुवाई में ये जो मीटिंग हुई है, ये जो मीटिंग है ये बीजेपी के कार्यालय में नहीं हुई है, ये मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के निवास पर। और क्या इसका कुछ अलग संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या ये बताने की कोशिश की गई है कि ये पूरे का पूरा दारोमदार जो है, जिम्मेदारी जो है वो भजनलाल शर्मा के कंधों पर रखी गई है। अगर जीत होती है भाजपा की तो श्रेय उनको मिलेगा, पर अगर हार होती है, जो कि संभव है, अगर हार होती है तो उसका ठीकरा भी भजनलाल शर्मा के सर पर फोड़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा बैठे हैं, उनके बगल में दाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि एक बार पॉज कर दीजिए आप, जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं। और आज क्या बीजेपी की फिजा कुछ बदली बदली सी है? मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह के ट्वीट्स आज डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने किए हैं वो बताता है कि भाजपा के अंदर की क्या मंत्रणा इस समय चल रही है। आप देख सकते हैं इस पूरी मीटिंग में भाजपा के कई राजस्थान के वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें सीपी जोशी, पूर्व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, विजया रहाटकर और राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं यहां पर। पूर्व नेता विपक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, कैलाश चौधरी मौजूद हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं। और क्या कुछ डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट में लिखा है वो आपको दिखाना चाहूंगा। एक समय था जब राजेंद्र राठौड़ की अटेंडेंस लेने में लगे हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी पर खासा उन्होंने नाराजगी जो है वो जता दी थी, पर आज क्या ट्वीट किया है वो देखिए। वेरी सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल मीटिंग, यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ राजस्थान पॉलिटिक्स। अगर एक बार पिछली स्लाइड पे आप जाएं, शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल समझ रहे हैं कि राजस्थान में राजनीति अगर करनी है तो संभल कर करनी पड़ेगी, जल्दबाजी अगर करेंगे तो हो सकता है अलग अलग धड़ों को, पक्षों को वो नाराज कर दें। राजेंद्र राठौड़ की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने ये मैसेज दिया है। और ये तमाम जो मीटिंग का दौर जो आने वाले समय में और तेज हो सकता है वो बताता है कि किस तरह से बीजेपी के लिए अब हरियाणा की जीत के बाद फोकस आने वाले समय में, भले ही वो सतीश पूनिया हो जो कि हरियाणा के प्रभारी रहे, भले ही वो राजेंद्र राठौड़ हो, मदन राठौड़ हो, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, भजनलाल शर्मा, ये तमाम नेता जो है इनका फोकस जो आने वाले समय में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उस पर हो सकता है। और इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के लिए, वो भी आप देखिए, उप मुख्यमंत्री हैं वो, पर पिछले कुछ समय से हैरान या परेशान शायद चल रहे थे, जिस प्रकार की अटकलें उनको लेकर लग रही थी, जिस प्रकार की बातें उनको उनके बेटे को लेकर कही जा रही थी, रील जो सामने आई थी, चालान भी कटा उनके बेटे का, 7,000 रुपए का चालान कटा, और जिस तरह से सोशल मीडिया में उनको लेकर कई प्रकार की बातें कही जा रही थी, उसके बाद शायद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पक्ष में ये जो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया है। यूपी के नेता है, हालांकि राजस्थान के फिलहाल प्रभारी हैं। जीत में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और इसके बाद राजनीतिक पहचान बड़ी होने वाली है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को पूरी ताकत से लग जाने के लिए उन्होंने कहा है इस ट्वीट में। तो क्या ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और बैकिंग है बीजेपी के लीडरशिप की तरफ से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को, क्या ये क्लीन चिट है उनको? खैर, ये बीजेपी बता सकती है, पर फिलहाल ये लग रहा है कि राजस्थान में बीजेपी का जो है वो, बीजेपी की राजस्थान की सरकार की पकड़ थोड़ी सी पहले से ज्यादा वो इन कंट्रोल दिखने की कोशिश कर रही है। पर जिस तरह से सब इंस्पेक्टर पेपर लीक का बड़ा मुद्दा जो है वो अभी भी छाया हुआ है, इसके ऊपर फैसला सरकार ने नहीं लिया है। अगर नहीं लेती है तो उसकी किरकिरी हो सकती है, पर अगर इसके बारे में फैसला तमाम उन अभ्यर्थियों के संतोषजनक, उनके लिए संतोषजनक तरीके से अगर लिया जाता है जो कि टकटकी लगाए हुए हैं और जिन्होंने ईमानदारी से अपना परिश्रम दिखाते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मनोबल है वो बढ़ सकता है और तमाम चीजों पर प्रशासनिक तौर पर भजनलाल शर्मा के लिए एक लिटमस टेस्ट के तौर पर सामने आ सकता है, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा भजनलाल शर्मा सरकार की है कि वो एसआई भर्ती परीक्षा के
मामले में क्या कुछ फैसला अगर लेती है तो वो क्या होता है। खैर, आखिर में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर के दौरे पर थे और किस तरह से उन्होंने एक अधिकारी को फटकारा, डांट लगाई और अपने आप को आम लोगों के करीब आने की कोशिश की। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी आया है, संवेदना रखा करो थोड़ी सी, उन्हीं की वजह से तुम्हें रोटी मिल रही है। ये तमाम बातें भजनलाल शर्मा की सरकार की अगुवाई करने वाले खुद सूबेदार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही। पर ये फटकार जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगाई, क्या उनको तब ये संवेदना नहीं दिखती है जब ट्रैफिक में जब वो गुजर रहे होते हैं तो अक्सर प्रोटोकॉल लगा दिया जाता है और रूट लगाने के नाम पर कई कई मिनटों तक लोगों को, आम पब्लिक, उसमें कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दबाजी में किसी को अपने मरीज को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, किसी जरूरी काम से कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, पर कई बार पहले ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री आम जन की तरह कहीं पर भी ट्रैफिक को नहीं रुकवाएंगे। पर फिर से इस प्रकार की बातें होने लग गई तो ये संवेदना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को तब भी रखनी चाहिए जब उनकी वजह से आम जन सड़कों पर ट्रैफिक में रूट लगने की वजह से परेशान हो जाता है। और ऐसा एक दो बार नहीं, कई कई बार हो चुका है। कई कई बार मैंने खुद इस प्रकार के हालात देखे हैं कि लोगों को 15-20 मिनट तक रोके रखा जाता है कि भाई रूट लगा दिया गया है और जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री चले जाएंगे तब वो रूट खोला जाएगा, इस प्रकार की बात सामने आती है। तो इस प्रकार की संवेदना वहां पर भी नजर आनी चाहिए। फिलहाल सब इंस्पेक्टर मामले पर अगर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार जल्द ही अपना फैसला जो है वो साफ कर दे, अपना निर्णय जो है, अपना पूरे मामले को लेकर विचार जो है वो साफ कर दे, तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज के लिए, अभ्यर्थियों के लिए शायद वो बेहतर होगा। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के लिए जयपुर से मैं देवंकुर वधावन हूं।